हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से रहें। तो मैं हूँ मीनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमपी डिलाइट। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चटपटा चना मसाला। ये अक्सर रमज़ान में बनाया जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि आप इसे रमज़ान में ही बनाएं, आप ऐसे ही इसे बना के खा सकते हो। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप चना रात भर भिगो के रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ी हल्दी और नमक ऐड करके 5 से 6 सीटी ले ली है और उसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। साथ ही में मैंने उसमें एक आलू डाल दिया था। तो अब हम इस आलू को बस ऐसे ही क्रश कर लेंगे। तो चलिए इसे बघारने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने कुछ करी पत्ता डाल दिए हैं। करी पत्ता तड़कने के बाद हम इसमें एक कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को लाल नहीं करना है। अब प्याज के साथ साथ हम एक टमाटर को भी बारीक चॉप करके इसमें मिला देंगे और टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इन प्याज और टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ ही में मैं इसमें एवरेज का चाट मसाला यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला और आमचूर पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस रेसिपी के लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आमचूर पाउडर मैं डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून नमक। याद रहे दोस्तों, हमने चने को उबालते वक्त भी नमक डाला था, तो अभी संभाल कर नमक डालना। अब इस मसाले को हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें ज़रा भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना मत भूलिए। बेल आइकन का बटन दबा के आपको ऑल पर प्रेस करना है। इससे मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगी और आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमने जो चना और आलू उबाल के रखे थे उसे अब हम इन मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे मिक्स करके कवर करके हम स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरा चना मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया चॉप करके डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें 1 टीस्पून नींबू का जूस डाल रही हूँ। अब हम इसे एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे और हमारी डिश सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, ये दिखने में ही, ये खाने में ही उतना ही चटपटा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में और एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।